हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट जवे की रेसिपी। जब रक्षाबंधन आती है तो इन्हें स्पेशली हर घर में बनाया जाता है और भाई को राखी बांधते समय इसी से भाई का मुंह मीठा किया जाता है। तो यहाँ मैंने जवे लिए हैं, जवे आप घर में भी तोड़ सकते हैं। यदि आप नहीं तोड़ते हैं, नहीं टाइम है, तो ये मार्केट में भी मिल जाते हैं। जवे दो तरीके से मिलते हैं, एक मोटा जवा मिलता है और एक बारीक वाला जवा मिलता है। तो जो दूध के बनाए जाते हैं वो थोड़े बारीक होते हैं। तो यहाँ एक स्पून मैंने देसी घी लिया है, जवों को ऐड कर दिया है और इसी के साथ हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट ये जवे बन के तैयार होते हैं। तो इसे सुनहरा होने तक हम भून लेते हैं। इसमें हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले जवे बनाने हैं, जवे भूनने हैं, बाद में हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप सारी चीज़ें किशमिश को छोड़कर सारी ड्राई फ्रूट्स इसी में ऐड कर लीजिएगा। जब जवा भुन जाए तब हमने किशमिश को ऐड करना है। और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से ये जवों में कलर आ चुका है। तो एक कटोरी मैंने जवे लिए थे तो इसमें 2 से 2.5 गिलास हम दूध ऐड करेंगे। एक कटोरी जवे में 2 से 2.5 गिलास दूध ऐड करने के बाद इसमें एक उबाल आने तक इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस एक अच्छे से उबाल आ जाए। सेम प्रोसीजर से यदि आप जवे नहीं हैं तो सेमी भी बना के तैयार कर सकते हैं। आधी कटोरी मैंने चीनी ली है और हरी इलायची का पाउडर ऐड करूँगी। जितने जवे लिए थे उसकी आधी कटोरी मैंने यहाँ चीनी ली है। मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और एक अच्छे से उबाल आ चुका है तो इसे गैस को ऑफ कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे ढक के साइड में रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं तो ये जवे सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जवे सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको थोड़ा लिक्विड बनाना है, दूध ज़्यादा रखना है, तो आप 3 गिलास दूध का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनके तैयार हो गए हमारे रक्षाबंधन के लिए जवे। और जवों के साथ साथ और भी मिठाइयों का आप अपने भाई को भोग लगाइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।